पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके में एमसीडी का बुलडोजर चला और यहां लगभग दर्जन भर से ज़्यादा झुग्गियों को अवैध बताकर एमसीडी प्रशासन ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। एमसीडी के इस एक्शन के बाद यहां रहने वाले लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। जानकारी के मुताबिक इन झुग्गियों में रहने वाले एक परिवार के घर 8 फरवरी को लड़की की शादी थी। परिवार ने शादी में अपने सभी सगे संबंधियों को बुलाया था। गुरुवार को बेटी की डोली उठी और उसी दिन घर पर एमसीडी के अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंच गए और घर खाली करने का आदेश देने लगे। परिवार पूरी तरह से मेहमानों की विदाई तक ठीक से नहीं कर पाया था। इस दौरान यहां रहने वाले लोगों ने कोर्ट से प्राप्त स्टे ऑर्डर की अधिकारियों को दिखाया, लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी और झुग्गियों को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि वह लगभग 30 सालों से यहां रह रहे हैं। उनके पास झुग्गियों के पते पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली के कनेक्शन और पानी के कनेक्शन के साथ बैंक अकाउंट भी है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने उनकी झुग्गियों को अवैध बताकर तोड़ दिया। स्थानीय लोग आम आदमी पार्टी के विधायक धनवंती चंदेला के पास भी गए, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई मदद नहीं मिली। बेघर हुआ परिवार खुले आसमान के नीचे रातें बिताने को मजबूर है। इस मामले पर दुल्हन की मां ने बताया कि 31 तारीख को घर खाली करने का नोटिस दिया गया। शादी वाले घर में महज 3 दिन में कैसे कुछ भी हो पाएगा? घर में शादी है और अभी तक विदाई भी नहीं हुई। घर पर आकर बुलडोजर चला दिया, सारा सामान दब गया, रिश्तेदारों को भी भेजना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।